क्रोध को तू अपने पालना सीख ले, हालात से खुद को तू ढालना सीख ले। माने जो सिखाया वो फिर से याद कर, परों से हवाओं को तू अब काटना सीख ले। दादाजी मुझसे बोलते हैं कि क्रोध को पालना सीख बेटा, क्रोध को पालना सीख। जो तूने इसे पाल लिया तो समझ ले कि तूने जिंदगी की हर जंग जीत ली। उनकी ये बातें उस समय समझ में नहीं आती थी कि वो क्या कह रहे हैं, पर अब समझ में आती है कि वो बिल्कुल सही कहते हैं। क्रोध हमारे जीवन में एक कमजोरी और एक शक्ति दोनों की बात काम करता है, लेकिन ये हम पर निर्भर करता है कि हम इसका इस्तेमाल कैसे करते हैं। कुछ वर्ष पहले की बात है कि एक इलाके में माता के जागरण की तैयारी चल रही थी। अक्सर देखा जाता है कि इस प्रकार के कार्यक्रम में कई निर्धन परिवारों के बच्चे खेलते रहते हैं। उनमें से ही तीन भाई खेलते खेलते अगली पंक्ति की कुर्सी पर बैठ गए। कार्यक्रम शुरू होने वाला था, जैसे ही समय करीब आया आयोजक आए और उन्होंने बच्चों को थप्पड़ मारकर भगा दिया। थोड़ी देर में तीनों भाइयों ने देखा कि उस कुर्सी पर आकर स्थानीय विधायक और जिलाधिकारी बैठ गए। कार्यक्रम शुरू हुआ, लेकिन इस घटना का तीनों भाइयों पर अलग अलग असर पड़ा। पहले भाई ने कुछ नहीं सोचा, दूसरे भाई ने सोचा कि कार्यक्रम में बड़े बड़े लोग हैं, हमें भगा दिया कोई बात नहीं, लेकिन हम खड़े होकर तो देख पाएंगे। लेकिन तीसरे भाई ने अपने इस अपमान जो उसे गुस्सा आ रहा था उस पर उसने कोई रिएक्ट नहीं किया। लेकिन तीसरे भाई ने इसको अलग तरीके से सोचा। उसने सोचा कि मैं पहले आया, मैंने पहले सीट पाई, फिर भी मुझे थप्पड़ मारकर भगा दिया गया। मैं गरीब हूँ, इसलिए मुझे वहाँ पर खड़ा नहीं होने दिया गया। ऐसा शायद इसलिए हुआ क्योंकि मेरे पिता गरीब हैं। जिलाधिकारी और उनके बच्चे भी आए, लेकिन वो कुर्सियों पर बैठे और हमें थप्पड़ मारकर भगा दिया गया। आज के बाद मेरा एक ही सपना है कि मुझे एक ऐसा पद हासिल करना है जिससे कि मैं कुर्सी पे सबसे आगे बैठूं। दोस्तों, उस बच्चे ने अपनी गुस्सा का सदुपयोग किया, अपने गुस्से को अपनी ताकत बनाया। उसने रिएक्ट नहीं किया, उसने किसी से झगड़ा नहीं किया, उसने अपने गुस्से को अपनी ताकत बनाया। और दोस्तों, वो बच्चा आप जानते हैं वो कौन था? सुपर 30 आनंद कुमार। जी हाँ दोस्तों, आज वो एक ऐसा मसीहा जो हर साल 30 बच्चों को फ्री में तैयारी कराता है और IIT में एडमिशन दिलवाता है। और वो सुपर 30 आनंद कुमार ने अपने देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी अपने देश का नाम रोशन किया है, अपने माँ बाप का नाम रोशन किया है। और आज उस बच्चे को किसी नाम का मोहताज नहीं होना पड़ा है। उस बच्चे ने मेहनत की और उसने क्रोध को अपनी ताकत बनाया। दोस्तों, क्रोध एक ऐसा मनोभाव है कि हम चाहे कितना भी कर लें, कितना भी नियंत्रित कर लें, लेकिन कभी ना कभी हमारे जीवन में शामिल हो ही जाता है। हमारे जीवन में कई बार ऐसी परिस्थितियां आ जाती हैं कि हम चाहकर भी गुस्से पर नियंत्रण नहीं कर पाते। सामने कुछ गलत हो रहा होता है, हम चाहे कुछ भी कर लें, लेकिन सच्चाई यही है कि गुस्से के प्रभाव से बच पाना लगभग मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। प्रकृति का एक अटल सिद्धांत है कि हर चीज़ के दो पहलू होते हैं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। जैसे आग हमारे जीवन के लिए उपयोगी है, ऐसी उतनी खतरनाक भी है। जल है तो जीवन है, जल मनुष्य का मौत का भी कारण बन जाता है। इसी प्रकार गुस्से के भी लाभ और नुकसान दोनों होते हैं। अगर हमने गुस्से का सही जगह पर इस्तेमाल किया तो हम असंभव को भी संभव बना सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, हमारे इतिहास में ऐसे कई महापुरुष हैं जिन्होंने गुस्से का सही इस्तेमाल किया और इतिहास के पन्नों में अपने सुनहरे अक्षरों में अपना नाम लिखवा दिया। दशरथ मांझी का नाम तो आपने सुना ही होगा। उनकी आंखों के सामने उनकी पत्नी की मौत हो गई, मगर वो उनको अस्पताल नहीं ले जा सके क्योंकि गांव के एक पहाड़ की वजह से शहर 5 किलोमीटर का रास्ता 30 किलोमीटर घूमकर जाना पड़ता था। उनको पहाड़ पर बहुत गुस्सा आया, उन्होंने ठान लिया कि इस पहाड़ को काटकर रास्ता बना दूंगा। फिर क्या था, गुस्से में छेनी हथौड़ी उठाकर लग गए। लगभग 22 सालों के अथक प्रयास के बाद उन्होंने पहाड़ को काटकर रास्ता बना दिया। दोस्तों, ये होता है गुस्से का सही सदुपयोग। अगर हम गुस्से में अपना आपा खो देते हैं, तुरंत उसकी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हैं, अपना गुस्सा किसी न किसी पर निकाल देते हैं, इस तरीके से हम गुस्से की ताकत को व्यर्थ कर देते हैं। आज से जब भी आपको गुस्सा आए तो तुरंत खुद को याद दिलाएं कि मुझे गुस्सा नहीं करना है बल्कि उस गुस्से को पालना है। बेहतर होगा कि आप गुस्से वाली जगह से चले जाएं और एकांत में जाकर खुद से कहें, मैं अपने हालात के लिए खुद जिम्मेदार हूं और मुझे ये हालात को बदलना होगा। जब भी गुस्सा आए तो जिम में चले जाएं, वहां पर गुस्सा निकालें, मैदान में चले जाएं, वहां पर दौड़ लगाएं, लेकिन अपने गुस्से को पॉजिटिवनेस की तरफ को मोड़ें। गुस्सा निकालना है तो अपने काम पर निकालें, अपनी पढ़ाई पर निकालें, फिर देखिए अपने गुस्से का असर। आप अपने गुस्से की ताकत का प्रयोग खुद को अपग्रेड करने में लगाएं, ना कि खुद को डाउनग्रेड करने में। खुद को पहले से ज़्यादा पावरफुल और सक्सेसफुल बना सकते हैं आप गुस्से का सदुपयोग करके। ये कोई किताबी बातें नहीं है, बल्कि मैंने खुद इनको अपनाया है। हाँ, इस तकनीकी का उपयोग करने के लिए आपको निरंतरता जरूर दिखानी होगी, तभी आपको इसका लाभ होगा। हमारे जीवन में कभी कभी ऐसा भी वक्त आता है जब गुस्सा करना जरूरी होता है, वरना आपका काम बिगड़ सकता है। ऐसा नहीं है कि गुस्सा नहीं करना चाहिए, लेकिन कब करना चाहिए कब नहीं करना चाहिए ये हमारे विवेक पर निर्भर करता है। रामायण में भगवान राम ने लंका जाने से पहले समुद्र से काफ़ी देर तक प्रार्थना की, मगर जब समुद्र ने उनकी प्रार्थना नहीं सुनी उन्हें भी गुस्सा दिखाना पड़ा। ऐसी स्थिति में आपको गुस्सा जरूर दिखाना चाहिए, परंतु ध्यान रहे आपको अंदर से गुस्सा नहीं होना है, केवल गुस्से को दिखाना है। जैसे फिल्मों में एक एक्टर एक्टिंग करता है उस तरीके से,
इस गुस्से का उपयोग माँ बाप अपने बच्चों को सुधारने, शिक्षक अपने छात्रों को पढ़ाने में करते हैं। इस प्रकार ना आपको टेंशन होगा और ना ही आपके स्वास्थ्य पर नेगेटिव असर पड़ेगा। इसीलिए दोस्तों, क्रोध को तू अपने पालना सीख ले, हालात से खुद को तू ढालना सीख ले। माँ ने जो सबक सिखाया फिर से याद कर, परों से हवाओं को तू अब काटना सीख ले। अच्छा दोस्तों, स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए और मस्त रहिए, और अपने गुस्से को पालते रहिए। बाय बाय दोस्तों।